हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में वीवो का Y21T मोबाइल का बॉक्स, जो कि इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। इस फ़ोन के फीचर्स क्या है, इस फ़ोन में कितना प्रोसेसर है, इस फ़ोन की बैटरी बैकअप कितना है, इसका कैमरा कितना अच्छा है, कैमरा की क्वालिटी कितना अच्छा है, सारा इस अनबॉक्सिंग वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए अनबॉक्सिंग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा वीवो का Y21T का मोबाइल का बॉक्स, जो कि देखने में कुछ इस प्रकार से लगता है। अगर आप इस साइड देखोगे तो यहाँ पे वीवो IPL का टाइटल स्पॉन्सरशिप लगा रहता है। अगर आप पीछे की साइड देखोगे तो कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स यहाँ पे रखा गया है, जैसे कि स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर और 8.0 ट्रायंगल स्लिम डिज़ाइन और 50 MP का मैन कैमरा और 5000 mAh की बैटरी, 18W की फास्ट चार्जिंग देखने को पीछे की साइड आपको मिल जाता है। अब सिंपल से मैं अपने बॉक्स को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा। तो इस बॉक्स में क्या है सो आपको पहले मैं दिखा दे रहा हूँ। इस बॉक्स में आपको मिलेगा ये वीवो की तरफ से वारंटी कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो इसको हम बगल में रखते हैं और ये आपको मिल जाता है एक शानदार सा फ़ोन मोबाइल का कवर, जो कि काफ़ी अच्छी है, वीवो की तरफ से दिया जाता है आपके फ़ोन की सुरक्षा के लिए। अब इसको हम बगल में रखते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक स्टिकर आपको देखने को मिलेगा और ये भी, इसको भी हम अलग रखते हैं। अब बारी आ जाती है हमारे स्मार्टफोन की। ये है हमारा फ़ोन, इसको भी हम अभी बगल में रखते हैं। और ये है हमारा 18W का फास्ट चार्जर, जो कि देखने में कुछ इस प्रकार से आपको लगेगा। दोस्तों, और इसके अंदर टाइप सी पोर्ट का डाटा केबल देखने को मिल जाता है। इसको भी बगल में रखते हैं। और इसके अंदर एक सिम इजेक्टर टूल्स आपको देखने को मिल जाएगा। अपने सिम को निकालने के लिए, मेमोरी लगाने के लिए सिम इजेक्टर टूल्स देखने को मिल जाता है। अब सिंपल से मैं अपने फ़ोन को पॉलोथिन में से निकालता हूँ। दोस्तों, ये हमारा फ़ोन। अगर आप इस फ़ोन के पीछे की साइड देखोगे तो यहाँ पे 50 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है और 2 MP यानी कि 3 रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे फ्लैश लाइट भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखोगे तो वीवो का ब्रांडिंग नेम देखने को मिल जाता है। इस पर लाइट लगता है पीछे की साइड, तो कितना चमक रहा है। दोस्तों, ये दो कलर में इंडिया में प्रोवाइड किया गया है। एक है मिड लाइट ब्लू और एक है पेल्स वाइट। तो मेरे पास मिड लाइट ब्लू है। अगर आप लोग इस फ़ोन के राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और पावर ऑफ बटन भी दोनों एक साथ देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं फिंगरप्रिंट से अपने फ़ोन को अनलॉक करता हूँ, कितना स्पीड काम कर रहा है। दोस्तों, और इसके ऊपर आपको वॉल्यूम अप डाउन का बटन देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ इसमें फेस लॉक भी है। और दोस्तों, ऊपर की साइड अगर देखोगे तो सिम इजेक्टर टूल्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप अपने सिम को चेंज कर सकते हो या मेमोरी को भी डाल सकते हो इसमें। और दोस्तों, इस साइड अगर आप लोग देखोगे तो पूरा प्लेन है, कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको। और इस साइड अगर देखोगे नीचे की साइड तो 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर माइक देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर टाइप सी पोर्ट चार्जर पिन को मिल जाएगा और यहाँ पे स्पीकर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के। तो दोस्तों, इस फोन का डिस्प्ले 6.56 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा 8 MP का देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अब इस फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको दिखाते हैं हम। दोस्तों, इसमें आपको 2.4 GHD स्नैपड्रैगन 680 ओक्टा केयर का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आप इसमें BGMI या फ्री फायर खेलोगे तो बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा। अगर इसकी रैम की बात करें तो 4.0 यानी कि 4 GB रैम प्लस 1 GB एक्स्ट्रा रैम देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, ये एंड्रॉयड 11 वर्जन में आपको देखने को मिल जाता है। फ़ोन की स्टोरेज की बात करें तो 128 GB का फ़ोन का स्टोरेज, जो कि काफ़ी बड़ी है स्टोरेज और काफ़ी अच्छा माना जाता है, देखने को मिल जाता है फोन में। दोस्तों, इस फोन के कैमरा सेटिंग के बारे में बात करें तो कैमरा सेटिंग में आपको नाइट मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, फोटो और वीडियो। और यहाँ पे मोड पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि अगर 50 MP से खींचना चाहते हैं फोटो तो ये 50 MP स्लो मोशन करना चाहते हैं स्लो मोशन, और यहाँ पर टाइम लेप्स यानी कि बहुत सारी आपको सेटिंग देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अब बात करें इस फ़ोन के कुछ फ़ोटोज़ की, तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कितना इसका झक्कास फ़ोटो आया है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये फ़ोन का फ़ोटो है, कुछ सैंपल आप लोग देख सकते हो कितना फुल HD में इसका इमेज है।
बहुत सारी हमने फ़ोटो खींची है, आप लोग देख सकते हो। सो दोस्तों, अगर आप लोग इस फ़ोन की प्राइस को देखना चाहोगे तो आपको 16,499 में ये फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है और बैटरी 5000 mAh की बैटरी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है, देखने को मिल जाता है। प्राइस के हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी बेहतर है। अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो या कैमरा के लिए, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर फ़ोन रहेगा। देख सकते हो इसका कैमरा कितना लाजवाब है, आप लोग खुद लाइव प्रूफ देख सकते हो। सो दोस्तों, आप लोग लेना चाहते हो तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यार समझ सकते हो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब लाल वाला बटन दबाकर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।